तो आपने ये सुना होगा कि योर फर्स्ट इम्प्रेशन इज योर लास्ट इम्प्रेशन. लोगों को, ह्यूमंस को, और जब मैंने आपसे पहले मेंशन भी किया था कि मैन और ह्यूमंस आर सोशल, दे आर सोशल एनिमल्स, क्यों कहा जाता है? बिकॉज उनको एक दूसरे से मिलने का बड़ा शौक है, उनको बात करने का बड़ा शौक है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उनको देखने का बड़ा शौक है. सो ह्यूमंस आर वेरी विजुअल बींग्स, उनको देखने से बहुत फर्क पड़ता है. उसी तरह जिस तरह अगर कोई इंसान बहुत वेल ड्रेस्ड हो, आपके सामने खड़ा हो, तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा एज कम्पेयर टू समन हु इज़ नॉट वेरी वेल ड्रेस्ड. और ये फिलॉसफी इज कॉल्ड अपीयरेंस. हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपनी अपीयरेंस का ख्याल रखें, हम देखें कि हमें, हम किस तरह का लिबास पहनते हैं और वो लिबास लोगों को अट्रैक्ट करता है कि नहीं करता. और इस पूरे कॉन्सेप्ट में लिबास के अलावा कलर्स और थीम्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ये बहुत ज़रूरी है कि हम देखें कि लोग हमें कैसे देख रहे हैं और हम लोगों को कैसे देख रहे हैं. सो दिस लेसन इज़ अबाउट सिलेक्टिंग योर थीम. हमने थोड़ा सा जिक्र इसका पहले भी किया था, वेयर वी एक्चुअली ट्राई टू सी कि किस तरह से हम वर्डप्रेस की थीम सेलेक्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. बट वी आर गोइंग टू डिग दिस अ लिटिल डीपर एंड वी आर गोइंग टू सी व्हाट आर थीम्स. थीम्स क्या होती हैं? बिल्कुल जिस तरह आपके फ़ोन में, आपके पास या आपके पीसी में या आपके लैपटॉप में आपको कलर चेंज करने का बहुत शौक है, आपको थीम्स चेंज करने का बड़ा शौक है, इसी तरह वर्डप्रेस अलाउज यू टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ योर वेबसाइट. किसी भी वेबसाइट में, किसी भी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में जो थीम्स का एक फंक्शन है, दैट विल अलाउ यू टू वेरी इजीली चेंज द अपीयरेंस ऑफ दैट वेबसाइट. आप येलो कलर की थीम करना चाहते हैं, आप ब्लू कलर की थीम करना चाहते हैं, आप वाइट में करना चाहते हैं, ब्लैक में करना चाहते हैं, रेड में करना चाहते हैं, पर्पल में करना चाहते हैं, किसी भी रंग में आप अपनी वेबसाइट को रंगना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं यूजिंग थीम्स. बट द ग्रेट पार्ट इज कि कॉन्टेंट रिमेन्स द सेम, कॉन्टेंट वही रहेगा. वर्डप्रेस और किसी भी कॉन्टेंट मैनेजमेंट सिस्टम की ये खासियत है कि वो कॉन्टेंट को वही रखता है, कॉन्टेंट नहीं बदलता, कॉन्टेंट किसी भी तरह से चेंज नहीं होता, द थीम ओनली चेंजेस. सो दैट्स वाई वर्डप्रेस इज पॉपुलर, या कोई भी कॉन्टेंट मैनेजमेंट सिस्टम इज पॉपुलर, क्योंकि कॉन्टेंट वही रहेगा, सिर्फ वेबसाइट की अपीयरेंस चेंज हो जाएगी. एंड यू डोंट नीड टू लर्न हाउ टू कोड अ न्यू वेबसाइट. आप बड़े आराम से सिर्फ विद अ क्लिक ऑफ अ बटन यू कैन एक्चुअली चेंज द थीम ऑफ योर वेबसाइट. बट द क्वेश्चन इज कि यार थीम को हम चेंज क्यों करें? एक वर्डप्रेस डिफॉल्ट थीम इंस्टॉल कर रहा है तो उसी को रखते हैं, क्या ज़रूरत है कि हम जाके देखें कि थीम क्या है, इमेजेस क्या हैं. सो आप अपने जहन में रखें कि जिस तरह आप, लाइक यू आर वन ह्यूमन ऑन दिस प्लैनेट ऑफ 7 बिलियन पीपल, इसी तरह आपकी वेबसाइट इज गोइंग टू बी जस्ट वेबसाइट, वन वेबसाइट ऑन दिस प्लेटफॉर्म दैट वी नो एज द इंटरनेट, विच हैज़ millions and probably billions of websites. तो आप अपनी वेबसाइट को कैसे यूनिक करेंगे? आप अपनी वेबसाइट को कैसे एक डिफरेंट टच, एक डिफरेंट अपीयरेंस देंगे? यू विल डू इट यूजिंग थीम्स. बिल्कुल वैसे ही जिस तरह अगर आप कोई नया मोटरसाइकिल लेते हैं या कोई नया फ़ोन लेते हैं, तो आप कहते हैं यार ये रोज़ गोल्ड कलर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, ये ब्लैक में बड़ा अच्छा लग रहा है. क्यों? बिकॉज ऑफ द थीम. सो थीम्स आर वेरी क्रूशल. थीम चेंज करने से पहले आप अपनी वेबसाइट के फ्रंट एंड को ज़रूर देखें, ताकि आपको नज़र आ रहा हो कि करंटली थीम्स कैसे एग्जिस्ट करती हैं. और अगर आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं, तो आप अपीयरेंस के सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे आप थीम्स चेंज कर सकते हैं. एंड वहाँ पे आपको अपनी करंटली इंस्टॉल्ड थीम्स भी नज़र आ रही होंगी. जिस तरह ये एक इमेज है जो कि मेरी साइट का है, जो दिखा रहा है आपको कि मेरी साइट में ये थीम्स इस वक्त करंटली इंस्टॉल्ड हैं. एंड यहाँ से आप और थीम्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं. कुछ थीम्स हैं जो वर्डप्रेस में प्री इंस्टॉल्ड आती हैं, और कुछ थीम्स हैं जो आप खुद से इंस्टॉल कर सकते हैं. और जैसा मैंने आपको कहा था, आई वांट यू टू टेक डीप. सो इस वाले लेसन में मैं आपको सिर्फ कुछ थीम्स दिखाऊंगा, इंस्टॉल अभी मैं नहीं करा रहा. आई जस्ट वॉन्ट यू टू सी दीज थीम्स, एंड आई वॉन्ट यू टू सी कि थीम्स कैसी हैं, इनके कलर्स कैसे हैं,
कैसे ये डिज़ाइन एलिमेंट्स को अपने डिफाइन करते हैं, कुछ इसमें से पेड हैं, कुछ इनमें से फ्री हैं. सो लेट्स गो लाइव. सो जैसे मैंने आपको कहा था, इस लेसन में मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ थीम्स. तो मेरे साथ रहिएगा, बिकॉज आई विल टेक यू ऑन अ टूर ऑफ थीम्स, अच्छी से अच्छी और बुरी से बुरी. ऑल दो आई थिंक कि अपीयरेंस वाइज कोई चीज़ बुरी नहीं होती, लेकिन आई वॉन्ट टू शो यू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ थीम्स दैट एग्जिस्ट फॉर वर्डप्रेस. पहले तो हम जाएंगे हम मेरी एक साइट जो कि है digiskillsadhame.000webhostapp.com, और जाते सारी मैं आपके सामने आई विल डिसेबल ऑल एग्जिस्टिंग प्लगइन्स, सो ए किस्मत विल गो अवे, और साथ ही साथ एनहांस मीडिया लाइब्रेरी प्लगइन को भी आई विल डिसेबल इट. और अब मैं जाऊंगा अपीयरेंस थीम्स में, एंड दिस इज वेयर आई वॉन्ट टू शो यू थीम्स. तो आप देखें, ये वो थीम्स हैं जो करंटली आपको नज़र आ रही हैं, और ट्राई टू सी कि यहाँ पे कितनी एक अपॉर्चुनिटी आपके पास अवेलेबल है. ये वो थीम्स हैं जो वर्डप्रेस में बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास इंस्टॉल होंगी. एक और चीज़ भी ज़हन में याद रखिएगा कि कुछ थीम्स इनमें से हैं जो कि वर्डप्रेस बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल करता है. इन थीम्स की कुछ नेमिंग कन्वेंशन हैं, जिस तरह 2016, 2013, 2015, 2017 ये ईयर वाइज थीम्स हैं जो वर्डप्रेस खुद प्रोवाइड करता है. ऑल दीज फोर थीम्स जिन पे मैं इस वक्त आपको अपने माउस से इशारा करते हुए नज़र आ रहा हूँ, दीज आर थीम्स विच आर बाय वर्डप्रेस. एक थीम इधर इस वक्त है जो कि वर्डप्रेस की नहीं है, जिसका नाम है शेपली. शेपली थीम आपको सिर्फ 000 वेब होस्ट पे इंस्टॉल करते हुए नज़र आएगी. यूजली वेन एवर यू इंस्टॉल वर्डप्रेस, आपको कुछ डिफरेंट थीम्स हो सकता है यहाँ पर नज़र आए. I don't want to show you how to add themes because वो हम आगे जाके सीखेंगे. मैं आपको नई themes दिखाना चाह रहा हूँ. So what we'll go is we'll go to google.com and we will search for WordPress themes. और यहाँ पे I want to show you कि WordPress की एक अपनी repository है which is known as the WordPress themes directory. और इस रिपॉजिटरी पे आपको दुनिया की हर तरह की थीम अवेलेबल होगी, आपको मिलेगी. आप इस रिपॉजिटरी को यूज़ कर सकते हैं टू फाइंड योर परफेक्ट थीम. सो व्हाट वील डू इज वी लुक एट द होम पेज एंड वी लुक एट सम गुड थीम्स. जिस तरह यहाँ पे ये काफ़ी थीम्स हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको नज़र भी आ रही होंगी. आई लाइक दिस ब्रॉडकास्ट लाइट थीम एंड आई वॉन्ट टू प्रीव्यू इट, तो मैं प्रीव्यू का क्लिक करूँगा और यहाँ पे अब आप ये थीम देख सकते हैं. ये थीम्स यूजली तौर पे कभी प्रीव्यू में वैसी नहीं दिखती जैसी आपको उनके थंबनेल पे नज़र आ रहा हो, क्योंकि कुछ इमेजेस मिसिंग होती हैं. इस केस में आप देख सकते हैं कि ये इमेज जो यहाँ पे नज़र आ रहा है वो उस थीम में इंस्टॉल्ड नहीं है. बट आई वॉन्ट टू सी मोर थीम्स, तो मैं क्या करूँगा, मैं दोबारा थीम डायरेक्ट्री पर जाऊँगा और वहाँ पर आई लुक फॉर सम ऑफ द पॉपुलर थीम्स. वो कौन सी थीम्स है जो पॉपुलर है. तो ये देखें, एस्ट्रैक थीम है, हेस्टियक थीम है, ओशन WP 2015, ये सारी वो थीम्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए, जिससे आपकी वेबसाइट को चार चांद लग जाएंगे डिपेंडिंग ऑन हाउ गुड ऑफ अ थीम यू एक्चुअली सिलेक्ट. सो देयर इज हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ऑप्शंस ऑफ थीम्स. बट मेरे लिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि मैं वो थीम सर्च करूँ जो मुझे चाहिए. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल गो ऑन द फीचर फिल्टर एंड आई विल सिलेक्ट ऑन द थीम दैट आई वॉन्ट. सो मैं जाऊँगा और मैं देखूंगा कि मुझे एजुकेशन रिलेटेड थीम चाहिए. सो आई क्लिक ऑन अप्लाई फिल्टर एंड अप्लाई फिल्टर के अंदर आई कैन सी जो यहाँ पे थीम्स लोड होंगी, ऑल ऑफ देम आर फोकस्ड टुवर्ड्स एजुकेशन. आपको वो फिल्टर नज़र भी आ रहा है. साथ ही साथ अगर मैं जाऊं और ई कॉमर्स रिलेटेड कोई थीम सर्च करना चाहूं, सो आई कैन Select that, I click on apply filter. वो भी आपको themes यहाँ पे नज़र आ रही हैं. So themes are endless. एक और चीज़ मैं करना चाहूँगा कि I'll go on Google and I'll search for best looking free WordPress themes. और आप ये गूगल पे सर्च करेंगे, गूगल को यूज़ करना ना भूलें. थीम्स को सर्च करने का बेस्ट तरीका ये है कि आपको गूगल पे सर्च करना सही तरह से आता हो. सो ये देखें, थीम्स ही थीम्स हैं दैट यू कैन यूज़ फॉर योर बिजनेस इन डिफरेंट वेज.
however you want to use them. बड़ी प्यारी themes हैं और ये सारी free हैं. काफ़ी ऐसी themes हैं जो free नहीं भी हैं, but all these themes are free. तो इनको use करें, इनको अपने blog पे install करें, try करें, देखेंगे थीम से कैसे आपकी वेबसाइट में चार चांद लग सकते हैं, ताकि हम आपको सजेस्ट कर सकें कि आपकी साइट के लिए, बेशक वो ई कॉमर्स साइट है, बेशक वो एंटरटेनमेंट साइट है, इंफॉर्मेशन साइट है, कौन सी थीम कुड बी द बेस्ट थीम.